जब तक मैंने अपनी पढ़ाई खत्म नहीं कर ली थी तब तक प्यार की अहमियत मेरे जीवन में किसी फुटनोट से ज्यादा नहीं थी। ये तब कह रही हूँ जब थीसिस जमा हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मुझे प्रेमी नहीं मिले, प्रेमी मिले, बातें भी की, पीछे भी पड़े, पर उन्हें समझने में देर ना लगी कि इस तरह की फालतू चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, एक बार अगर करियर बन जाए उसके बाद इस प्यार के लिए तो सारा जीवन पड़ा है। अब थीसिस जमा होने के बाद मैं एकदम खाली, समय ही समय, काटे ना कटे। कोई कब तक देखे अपने घर की खिड़की से सड़क पर आते जाते आदमियों को, कोई कब तक सुने पुराने फिल्मी और क्लासिकल गाने। अब किसी सहेली से फोन पर बात भी करनी हो तो कब तक और कितनी। और सच पूछिए तो मैंने अपनी सहेलियों से बातें करनी बंद कर दी थी, करनी ही नहीं सुननी भी बंद कर दी थी। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि उनमें से ज्यादातर की शादियां हो चुकी थी, कोई आधे पौने घंटे से कम बात ही नहीं करती। उनकी बातें थी जो हक होने का नाम नहीं लेती थी, किसी के हनीमून के किस्से तो किसी के आधी रात के, तो कोई इतवार की दुपहरिया के किस्से सुनाने लगते। पर कोई ये नहीं सोचते कि ये सब सुनकर मुझ पर क्या गुजरती है। सबकी अपनी अपनी खुशियां, अपने अपने उल्लास, अपने अपने रोमांच थे। पति पति तो सबके ऐसे थे जैसे इस धरती पर ना हो। मुझे उनकी बातें सुनकर जलन और ईर्ष्या होती, मन उदास और खिन्न होता। अरे बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती जब अपने पति के बगल में लेटी हुई मुझसे फोन पर बात करती और बीच बीच में चिहुकती और खिल खिल करती। मैं अकेली, बेहद अकेली हो चुकी थी। जब भी बाथरूम में जाती और अपने कपड़े अलग करती तो अपने शरीर को बड़े गौर से देखती। अब हो सकता है गलत ही हूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे अपना शरीर गमले में पड़े गुलाब के उस पौधे की तरह लगता जिसे अगर तुरंत पानी ना मिले तो मुरझाने में देर न लगेगी। इसे पानी चाहिए, कोई पानी दो, लेकिन कौन देगा पानी? वृद्ध पिताजी, स्वतंत्रता सेनानी, विचारों से सखीदर, देश की दुर्दशा से दुखी, जिसे लोग विकास कहते हैं वो विनाश। लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी। अरे ये मैं नहीं कह रहा, खबर आई खबर, खाप पंचायत का फैसला। अरे जब फैसला ले ही लिया था तो पंचायत बैठाने की क्या जरूरत थी? गुण गवार तुम क्या जानो कि फैसला लेना क्या चीज होती है। अरे ये देखो, सास ने बहू को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। ये कैसे हो सकता है? जब तक जेठ ससुर पति और देवर उसमें शामिल ना हो, ये दहेज के लालचों को तो फांसी दे देनी चाहिए, फांसी। ये है खबर, देखो, शादी के मंडप पर वधू ने वर को थप्पड़ मारा और शादी से इनकार कर दिया। ये हुई ना बात। अरे यही लोग हैं जो देश को बढ़ाएंगे और आगे भी लेके जाएंगे, वरना मेरा देश महान कहते हुए भी शर्म आती। पापा की ये बातें कभी कभी अच्छी लगती, लेकिन अब इससे चिर पैदा होती। सारी जिंदगी भर देश और दुनिया के बारे में ही बात करना। अरे कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोचा है कि उसकी उम्र कितनी है, 29 या 30? अरे जिन सहेलियों के बारे में बात करते हो ना, उनमें से तो कितनी माँ बन गई है और कितनी पेट से है। ये भी जानते हैं कि ना दहेज दे सकते हैं और ना मैं ऐसे शादी कर सकते हैं। फिर ये खुलकर क्यों नहीं कहते कि बिटिया तुम्हारे जो दिल में आए तुम करो, अरे हम साथ हैं तुम्हारे। बहुआ बेटे। जी पापा। क्या बात है, बड़ी कुम्हराई भी सी लग रही हो। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम ठीक से खाती पीती नहीं। जी पानी। पानी? हाँ पानी पीना तो बहुत अच्छी बात है, पानी तो खूब पीना चाहिए। लेकिन हाँ बेटा एक बात है, सारा दिन कविता पढ़ना, कविता सुनना, लिखना, कहानी लिखना सुनना, और वो छोटी सी खिड़की से दिन भर झांकना, ये सब तो ठीक है। कभी कभी बाहर भी कोई आए, कोई ना मिले तो मां को साथ ले लिया करो।
अरे हाँ, इस घर की इतनी बड़ी छत है, वो काहे के लिए? कपड़े सुखाने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं चला। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी बाढ़ नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं रही। मैंने देह की मांगे बराबर अनसुनी की, उनकी जरूरतों को अनदेखा किया। बड़ी अजीब सी बात है ना, कि जो मुझ पर आसक्त होते थे उन्हें मैं बच्चा समझती थी, और जिन पर मैं आक्रुष्ट होती थी वो मुझे बच्ची समझते थे। अरे ये कौन सा मनोविज्ञान है? यही बेवकूफी इसने हर्षुल के साथ की, अपनी साइकिल लिए साथ या कभी कभी आगे पीछे चलने वाला। क्या थी उसके आगे अपनी किस बात की ऐंठ, अपनी किस बात का गुमान? आखिर गलती क्या थी उसकी? तो हुआ ये कि उस दिन क्लासरूम में घटना हो गई थी। कायस्था सर जैसे ही आया और पढ़ाना शुरू किया, दो गुब्बारे पंखे की आवाज से इधर उधर नाचने लगे, दोनों सफेद। दरअसल वो गुब्बारे नहीं थे, निरोध को खुलाकर डोरे से बांध कर किसी ने यूं ही छोड़ दिया था। सबका भी उस पर ध्यान गया। सर सर सर, ये देखिए क्या है? ये क्या है? सर इसमें लिखा है, आज की आवाज यूज एंड थ्रो, लड़की और निरोध एक समान। सर तमीज ये? सर ये मैंने नहीं किया। सर ये किसने किया है? सर मुझे नहीं पता। सर ये मैंने नहीं किया। चलो प्रिंसिपल ये रूम में चलो। क्लासरूम में हड़कंप मच गया था। सर ने दोनों गुब्बारे ऑफिस भिजवा दिया और खुद क्लासरूम छोड़ दिया। और ये वही दिन था जब हर्षुल मेरे साथ यूनिवर्सिटी के गेट तक आया। कुछ कहता नहीं था लेकिन मुझे प्यार करता था। चले कहीं चाय पिए क्या? अच्छा ये बताओ, भावना नाम की कोई चीज होती है नहीं? हर्षुल आज से ना कभी बात करना ना कभी साथ चलना, समझे? गुड बाय। मैं सोचती हूँ कि आखिर उसकी गलती क्या थी। सोचा अगले दिन जाकर सॉरी बोल दूंगी, बात खत्म। लेकिन तीन दिन तक वो विभाग नहीं आया, चौथे दिन आया। महुआ महुआ, पता चल गया उस लड़के के बारे में। किस लड़के के बारे में? अरे उसी गुब्बारे वाले के बारे में। कौन गुब्बारे वाला? अरे वही जो निरोध को फुला के क्लास। शट अप, इस क्लास में 30 लड़कियां हैं, अकेली मैं नहीं हूं, और मुझे क्या लेना देना लड़की से? अंतिम बार वो इम्तिहान खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आया। महुआ हर्षुल, मैं रिसर्च नहीं करना, मैं मैनेजमेंट करना।
इधर न जाने क्यों अक्सर वो हॉन्ट करने लगा था इसको। इस घटना को 4 साल हो गए। हो सकता है हर्षल का पढ़ाई के दौरान ही कहीं प्लेसमेंट हो गया हो और घर बसाकर मस्ती मार रहा। लेकिन महुआ को याद क्यों आने लगी इतनी? क्या इसलिए तो नहीं कि वो एक अफसर था जो गवा दिया? जानते हैं उस चिट में क्या लिखा था? पछताओगे, सुने हो ये बस्ती उजाड़ कर। अगर सावन का मतलब घनघोर ठंडाई, झमाझम बारिश, बिजली की चमक और तड़क, धरती की हरियाली, बागों में झूले और कजरी है, तो समझिए सावन आया ही नहीं। पर बादल आसमान में ऐसे आते थे जैसे मटर गश्ती करने निकले हों। एक तरफ से आए, थोड़ी देर कहीं ठहरे, फिर न जाने कहाँ चले गए, पता ही नहीं। पिछले 2 दिनों से भयानक बदलाव आया था इनमें। वो काले, भारी और डरावने तो दिख ही रहे थे, बड़ी हड़बड़ी में थे। बीच बीच में भागते हुए ऐसी गर्जना करते मानो पृथ्वी को धमकी दे रहे। इन्हीं दिनों पीजी महिला महाविद्यालय के मैनेजर का बुलावा महुआ के लिए आया। मौसम बाहर निकलने का नहीं था, लेकिन महुआ गई और लौटी तो खुशियों का खजाना लेकर। महुआ, 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 जाने कहां से मन में आया कि अगर कुछ देर के लिए छत में पानी के निकास का रास्ता बंद कर दे तो ये पूरी छत बुलबुलों से भर जाए और मैं खूब छपा छैया करके नाचूं। ये हवा के झकोरों का असर था, ये बौछारों का, या मौसम का, या मेरे दिल का, कि मैं अपने बस में नहीं रही। लगा जैसे हवा की झोंकों से आई हुई बौछारें मानो बारिश के हाथ हो और जो मुझसे घुमरी खेलने के लिए जिद कर रहे हैं। मैंने अपने कपड़े ऐसे उतार फेंके जैसे नोच रही हूँ। छत पर छप 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 कर चक्कर काटती हुई मैं निढाल पानी पर ले गई। अंग अंग पर छर्रों की तरह चोट कर रही थी, खास तौर से जब पेट, छाती और जांघों पर पड़ती तो जी जन चला जाता। लेकिन रोमांच भी तो था। पानी, वाटर, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ, तुम्हें पता है लड़के ने क्या किया है? अरे शादी कर ली है उसने, शादी। ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, पता नहीं कौन सी लड़की थी, कहां से मिली और शादी कर ली। अब बैठ जाओ, तुम्हारा बीपी शुगर सब बढ़ जाएगा। हाँ, बीपी शुगर तो बढ़ेगा ही, लेकिन इस लड़के का क्या होगा? ये सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ लड़का है। हाँ, बस मैंने ही बिगाड़ा है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। महुआ बेटा, महुआ, महुआ। जी पापा, बस 2 मिनट में आई। ये लड़की भी ना दिन रात बस काम काम काम, पता नहीं सोच क्या होगा, क्या करना होगा। ओहो पापा, बस जरा गुरैया को पानी दे आओ। अच्छा बेटे, फिर से एक बात कहनी थी। जी कुछ खास है क्या? हाँ, वो सुशांत का फोन आया था। सुशांत मेरा भाई, 4 साल छोटा, गुड़गांव की किसी कंपनी में जॉब करता था पिछले 2 साल से। हाँ, घर वालों से कभी कोई मतलब नहीं रखता था, बीच बीच में फोन जरूर करता था ये जानने के लिए कि बबाल अभी बना हुआ है या फिर टल गया। शादी कर ली है उसने। तो पापा, ये तो अच्छी बात है ना, लड़की भी प्यारी सी है गुड़िया जैसी। अरे तूने उसे कहाँ देखा? अरे मैंने ही नहीं, आपने भी देखा है, नहीं आया था पिछले साल उसे लेकर? अरे वो लड़की नहीं है, कोई और है, उसका नाम है बलविंदर कौर। अरे पापा, जो भी है खुशी की बात है। हाँ हाँ हाँ, खुशी की बात तो है ही, अब बड़े
घर घर में कुंवारी बैठी रहे और वो नलायक शादी कर लाए, खुशी की बात तो है ही। मम्मी क्यों इतना परेशान होती हूँ, हर कोई अपनी सुविधा देखते हैं दूसरे की नहीं, और आप दोनों को मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आ रहा है किसको, दूंगा उसे आशीर्वाद। जानते हैं क्या देंगे, तो 21 की सुबह आ पहुंचे बलविंदर और सुशांत। दीदी दीदी, पिताजी प्रणाम। अरे माँ कैसी हो, माँ तुम भी नाराज हो गया, अब मान भी जाओ यार। हाँ हाँ ठीक है, जाओ दीदी के पास जाओ। कैसी हो दीदी, कैसी होंगी दीदी, हाँ बिना बताए शादी कर ली और कह रहे कैसी होंगी दीदी। अब देखो गलती तो है मानता हूँ मैं, बट इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि पता ही नहीं चला। जल्दी शादी हो गई पता ही नहीं चला। चल पैर छू। हाँ क्यों नहीं, ये लो। चल खुश रह। बल्लू काली दीदी है हमारी बड़ी। बस आहा कितनी खूबसूरत है बलविंदर, ज्यादा तंग तो नहीं करता ना। नहीं चलो तुम लोग आराम करो। अच्छा दीदी ठीक है। और दीदी हाँ मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है यार, वो मेरा शाही पनीर फेवरेट है ना, वो बना दो यार। शाही? अरे यार मैंने अभी अभी करेले बना दिए, वो पिताजी को खिला देना। जाओ जाओ आराम करो। आओ बल्लू डाल आराम। जी मम्मी ये इसे कहाँ मिली? अरे ये उसी कॉल सेंटर में जॉब करती थी जैसे सुशांत था। शादी की भी है या यूं ही? क्या कह रही हो मम्मी? हाँ हाँ मैंने तो उसका सर देखा, नाम देखी, सुनू मम्मी लगाया। हे भगवान तुम जाओ और मम्मी आराम करो, क्या अनाप शनाप सोचती रहती हो। आप जाओ जाओ। मेरी मुश्किल दूसरी थी, वो किसी से कही नहीं जा सकती थी, उन्हें मेरे बड़े होने का कोई लिहाज नहीं। वो जानते थे कि बाथरूम में जो भी खटर पटर करेंगे मुझे सब सुनाई देंगे, लेकिन कोई परवाही नहीं थी। अरे इतना भी नहीं कि आखिर मुझे भी नहाना धोना है, बस दोनों एक साथ बाथरूम के अंदर घुस जाया करते। तुम कहां से आगे अंदर, बाहर जाओ शावर ले लो। आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो डार्लिंग। छोड़ो ना कोई दीदी। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है डार्लिंग। अरे समझा करो दीदी आ जाएंगी। अरे डर मारा है क्या, प्यार किया तो डरना क्या। अरे आओ ना बेबी, क्या कर रही हो। अरे छोड़ो ना दीदी का तुम्हारे साथ नहीं है। दीदी को अंदर आ रही है। लेकिन रात को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। वो गए, उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि ना होते तो अच्छा था। ले गए मुझसे मेरी नींद और चैन, और छोड़ गए मेरे भीतर अकेलापन, कलमली, बेबसी और बेचैन। ये बेचैनी तुम्हें पागल कर देती जब मैं अपनी कल्पना से एक सुगठित जश्न तैयार करती, और जैसे ही उस पर चेहरा रखना चाहती तो चेहरा से शांत हो जाता। कितना काटा पीटा, डस्टर घुमाया, काली पोती सच डिप्रेशन में चली गई थी। बाजार से गुजरती तो सोचती कि कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है, कोई मेरी चाल पर कमेंट क्यों नहीं पास कर रहा है। आंटी रुमाल गिर गया था आपका। आंटी क्यों बोला, दीदी नहीं बोल सकते थे। Oh,
आ रही है ना, कौन घर है? साजिद तुम्हारा पड़ोसी, नया किराएदार। ये करता क्या है? लेक्चरर है मनोविज्ञान का। घर में दो बच्चे हैं और बीवी हमीरा। और सुनो, खन्ना लोगों से तुम्हारे पापा नाराज हैं कि पैसों के लालच में मकान मुसलमानों को किराए पे दे दिया। लेकिन ये तो कहीं से मुसलमान दिखता ही नहीं। बच्चे सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं और घर में ये बरमूडा पहनता है। लो, वो आ रहा है। हेलो। हेलो, हम यहाँ नहीं आए। मेरा नाम साजिद। काफी अच्छा मोहल्ला है जी। और आपका नाम? महुआ। साजिद से कभी कभार बातें हो जाया करती थी, आतंकी हमलों, विभागीय पॉलिटिक्स, इंटरनेट पर आई मेरी विषय की वैकेंसी की सूचना देने के माध्यम से, और कभी कभी तो फिल्मों पर भी। साजिद, आप गाते बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया। लेकिन अच्छा तो क्या, बस गुनगुना लेता हूँ थोड़ी। सुनेंगे? जी बिल्कुल सुनिए। उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दुवार जो में कट गए दो इंतजार में। वैसे आपने संगीत कहाँ से सीखा? यहां से, दिल से। ये वो राखी जब पहली बार साजिद महुआ के सपनों में दाखिल हुआ।
आजकल क्या पढ़ रहे हैं आप? मंटो के अफसाने हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी। चलिए बैठते हैं। वैसे कमाल के राइटर थे मंटो। अच्छा, आपने भी पढ़ा है मंटो? जी हाँ, कितनी खूबसूरती से वो समाज व्यवस्था और रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं, उनकी कहानियों के हमें चौंका देते हैं। बिल्कुल। वैसे आप कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? चुगल। ये किस विषय पर? लड़कों और लड़कियों के मुआशकों के विषय में है। मुआशकों में प्रेम बताएं, लव स्टोरीज। मतलब लव स्टोरीज होती है? जी बिल्कुल, देखिए कितना खूबसूरत लिखा है। सुनो, तुम आर्टिस्ट हो, नोटबुक निकाल कर ये नोट कर लो कि आर्टिस्ट अव्वल दर्जे के बेवकूफ होते हैं। मुझे बड़ा तरस आता है उन पर, कमबख्तों की बेवकूफी में भी खुलूस होता है, दुनिया के सारे मसले हल कर देंगे। लेकिन जब किसी औरत से उनकी मुठभेड़ होगी तो जनाब ऐसे चक्कर में फंसेंगे कि एक गज दूर खड़ी लड़की के पास पहुंचने के लिए पेशावर का टिकट लेंगे और वहां पहुंचकर कहेंगे कि ये लड़की आंखों से ओझल कैसे हो गई। देखिए कि आप अव्वल दर्जे के चुगल हैं। वैसे इस कहानी का अंत क्या है? खूबसूरत कल्पना है ये। किस्से के अंदर के किस्से में प्रकाश बताता है कि उसका दोस्त चंबा की पहाड़ी पर खड़ा है और उसके ठीक बगल से एक साफ पानी का नाला बह रहा है। सवा महीने तक एक लड़की उसके सामने से मुस्कुराते हुए गुजरती है और अपने हीरो साहब वो भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराने की रिहर्सल करते हैं। अच्छा, फिर लड़की ही चुप्पी तोड़ती है और उससे सिगरेट मांगती है और अपने हीरो साहब डलहौजी से 15 पैकेट सिगरेट मंगाकर उसके पास भेज देते हैं। फिर उनके बीच में बातें होती तरह तरह की बात, पर वो उस लड़की पर अपनी शहवानी ख्वाहिशें कैसे जाहिर करता? शहवानी मीन्स काम वासना संबंधी। फिर क्या, उसे यकीन था कि एक दिन लड़की अपने आप को उसके हवाले करेगी। कुछ दिन और बीतते, वो तरह तरह की स्कीमें बनाता है और अंत में एक लारी वाले के साथ हमबिस्तर होता देखता है तो एक लहजे में महसूस करता है कि मैं ही सबसे बड़ा चुगल हूं। नुआ, सुनो, मैं 8-10 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूं, तुमने देखा है हैदराबाद? मैंने चार मीनार, गोलकुंडा और सलारजंग का नाम तो सुना है लेकिन देखा नहीं। चल सकती हूँ? हमीदा बेगम, उम्र 30, ये तो हमीदा भाभी के नाम है। आप ही हमीदा बेगम, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। हम स्टेशन अलग अलग पहुंचेंगे, एक साथ नहीं, बाकी आप अपना देख सकते। हुआ, मैं तुम्हारे स्टेशन पर इंतजार करूंगा। मेरे अंदर धुतुकी शुरू हो गई थी। डर, चिंता, रोमांच, जोखम, विद्रोह, इन सबकी मिली जुली धुतुकी। अब डर ये भी कि अगर अखबार में खबर आ गई कि एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को ले भागा तो फिर इस शहर को दंगों से कोई नहीं रोक पाएगा। अब कौन जाने मम्मी पापा ही थाने पहुंच जाए और मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दें। मैं जानती भी तो नहीं ना आदमी है कैसा, और जरूरी तो नहीं कि जो अच्छा लगता हो और अच्छा दिखे वो अच्छा हो भी। अरे आगे उसका बिगड़ना क्या है? दो बच्चों का बाप है, बीवी है, नौकरी है, तलाक की नौबत आ भी जाए, तलाक दे ना दे, कौन जाने दे भी दे तो मेरा क्या बनेगा? लड़की, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम इसमें खड़खड़ा सकती उड़ नहीं सकती, और जिन दीवारों से तुम घिरी हुई हो उन्हें सिर्फ हथौड़े ही तोड़ सकते हैं, और ये तो सिर्फ
सेम है। हैदराबाद। हाँ बेटा, हाँ हाँ हम ठीक हैं, तुम भी अपना ख्याल रखा करो। हाँ हमने एक्सरे करा लिया है, रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर ने बोला है गैस है, सुबह शाम खाली पेट गोली लिया करो। अच्छा अब हम रखते हैं। ये भी ना बलविंदर भी ना, बस मम्मी तुम्हारी याद आ रही है, मम्मी तुम्हारी याद आ रही है कह के मेरा दिमाग खा लेती है बस। मम्मी मम्मी अब क्या है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। क्या हुआ बोलो बीबी। अब नहीं थी वो गार्गी, वो इन दिनों आगरे में ही है और वही पोस्टेड है उसका पति। तो कहती है कि 8-10 दिन के लिए आगरा आ जाओ, तो वो चार वो वृंदावन फतेहपुर सीकरी वो सब घुमा दूंगी। अब फोन पर फोन तंग कर मारा है ना उसने। वो तो विनीता थी ना तुम्हारी, रीवा वाली। अरे ठिन्नी मुटल्ली सी लड़की नहीं थी? ऐसी तो तुम्हारी कई सहेलियां थी। बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हूँ मम्मी। इधर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि ये 1 तारीख से मेरी DAV गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइनिंग है। नहीं ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा सुनो, बस 10 लोई ही बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, बाकी जो आटा बचा उसे फ्रिज में रखो। तुम क्या चाहती हो? मैं तो नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि ज्वाइन कर लूंगी तो ना छुट्टी मिलेगी ना मौका लगेगा, और वैसे भी गार्गी टिकट भिजवा देगा। देगी? अच्छा हाँ तो ठीक है चली जाओ, पर अपने पापा से पूछ लो। क्या हो गया मम्मी? पापा ने आज से किसी काम के लिए रोक टोक की है जो अब कर देंगे? खैर कहती हो तो मैं पूछ लूंगी, मेरा क्या। अजी सुनते हो? हाँ जी। ये महुआ की सहेली उसे आगरा बुला रही है। हाँ तो हो आने दो। अकेले? अकेले? क्या बात करती हो? अरे महुआ हम दोनों की तरह बूढ़ी नहीं है और ना ही छोटी सी बच्ची जो कहीं खो जाएगी। आजकल की लड़कियां तो अमेरिका यूरोप यू ही घूम के चली आती हैं, और आगरा, अरे आगरा तो ये रहा। जाओ बेटा जाओ, आगरा जाओ, बहुत कुछ है वहां देखने के लिए। मैं भी गया था आगरा। बहुत कुछ है वहां देखने के लिए। मैं ताजमहल देखकर लौट आया। बेटा तुम सब कुछ देखना, सब कुछ। हाँ हुआ, मैं बोल रहा हूँ साजिद, मैं सुबह ही घर छोड़ दूंगा और शाम को तुमसे स्टेशन पर मिलूंगा। इंतजार करूंगा प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी के बॉगी नंबर A1 के सामने। हाँ बस जरूरत के लिए बुरखा रख लूंगा, चिंता ना करना। मारी और मैं, हर लड़की को अपने सौंदर्य को लेकर संदेह होता है, मुझे नहीं था। हर लड़की बस इतना चाहती है कि कोई इतना भर कह दे कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मेरे लिए ये कोई साजिद था, ये संयोग था, ये शंकर शुभम शशांक कोई भी हो सकता था। हाँ शर्त बस इतनी है कि किसी ना किसी कारण मुझे अच्छा लगना चाहिए। घर की माली हालत और करियर की चिंता ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं भी एक औरत हूं, मेरी भी देह है, उस देह की अपनी जरूरतें हैं, मांगे हैं, भूख है। और अब जब 29 की उम्र पार कर रही हूं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो यौवन आया ही नहीं या फिर आकर चला भी गया। मुझे भी किसी कोई की जरूरत महसूस होने लगी थी जो ये साबित कर दे कि मैं भी एक औरत हूं और किसी भी पुरुष को मर्द बनाने की क्षमता रखती हूं। और सच पूछो तो ये साजिद 2 बच्चों का बाप मेरा कोई हो, और इसे मेरे मन ने स्वीकार किया क्योंकि इसमें एडवेंचर के साथ साथ थ्रिल भी था, और वो जीवन ही क्या जिसमें थ्रिल ना हो। खैर हैदराबाद में 12 दिन के प्रवास के दौरान मैं अपना नाम महुआ सुनने को तरस गई थी। हमीदा, हमीदा बेगम, हमीदा भाभी, अरे मैं भूल गई थी कि मैं महुआ हूँ। सारा दिन हैदराबाद शहर घूमकर जब हम खा पी कर बिस्तर पर आते
तो ये साजिद कहता कि बहुत हुआ आराम, चलो ना अब झगड़ा करते हैं। महुआ, महुआ, अरे महुआ, मेरी तो ट्रेन ही छूट जाती। और तुमने अपने घर वालों को क्या कहानी सुनाई? इसे कहते हैं उम्र का अनुभव। ये लो, अलाहाबाद के स्टेशन पर आगरे का पेठा। साजन, आज तक तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ, आज से ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें पहचानती हूँ। लेकिन सब कुछ यही खत्म। लेकिन वो हुआ गुडबाय साजन। मोबाइल लेकिन सुनो तो, वैसे पिछली रात हमने साथ ही गुजारी थी ट्रेन में एक ही बर्थ पर, तो हैदराबाद से वापसी हुई 12वें दिन। अरे महुआ, महुआ देख, मम्मी कैसी हो? सुनते हो? देखो महुआ आ गई। कैसे हो मम्मी? मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत कुछ, अरे बेटा महुआ, पापा ये आपके आगरे का पेठा। आगरे का पेठा जी? बेटा इसे इतनी दूर से ढो के लाने की क्या जरूरत थी, ये तो यहाँ भी मिलता है। महुआ कैसी हो गई हो? बिल्कुल कमजोर। मेरे भाई देखो कैसे एकदम झड़क गई है। अब मैं क्या बताऊँ तुम अपनी दौड़ धूप के बारे में। अब सुबह सुबह निकल जाते थे और ना ठीक से खाना, ना पीना, ना सोना, और गार्गी उसका तो और बुरा हाल था, साथ में वो छोटा सा 1.5 साल का बच्चा, और ये जिद्दी की पूछो मत। क्यों? उसकी सास ने उसे संभालने के लिए? ये क्यों नहीं, लेकिन वो हफ्ते भर पहले गाँव चली गई थी, वो ना उसके ससुर को वायरल हो गया। अरे बेटा तब तो तू ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। अब पापा क्या बताऊँ, वो ना बगल की बर्थ पे मोटा सा थूल थूल आदमी और ऐसे खर्राटे ले रहा था, मैं तो क्या सब परेशान। ओ, 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 बहुत थक गई होगी बेटा, थोड़ा सा खा पी ले और तू आराम कर, मैं ये पेटा पड़ोसियों को बांट के आता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने के साजिद मेरे यौवन का ही नहीं जीवन का भी पहला पुरुष था, उसे भुला देना और ना पहचानना कितना मुश्किल है ये नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद से लड़ते रहने का निर्णय लिया। पहला महीना बीता, बीत गया, लेकिन जब दूसरा महीना बीता और पीरियड नहीं आया तो माथा ठमका। मम्मा जी, जी मम्मा, दूध मम्मा मेरा मन नहीं है। दूध पी भी लो। मुझे नहीं पीना। अरे अच्छा सुनते हो, ये देखो ये दूध नहीं पी रही है। अरे क्या हुआ बेटा, जब से ये आगरे से आई है ना इसकी तबीयत गिरी गिरी सी रह रही है, कहीं बाहर का खाना सबको सूट नहीं करता है। अरे बेटा कहीं जॉन्डिस तो नहीं हो गया? इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और इसका इलाज कराओ। बेटा अपना ध्यान रखा कर। महुआ, ए महुआ, बेटा जब से आगरा से आई हो ना कुछ खाती हो ना पीती हो। क्या करूं मम्मी, भूख ही नहीं लगती। पीरियड तो ठीक आता है। अरे वो सब कुछ ठीक है, आप क्यों इतना सोचती हो? अब जाकर मेरे लिए फ्रूट्स ले आओ, जल्दी जाओ। दो शब्द दिमाग में घातक चोट कर रहे थे लगातार। कुमारी माँ और मुसलमान बाप, बीच में मन में आया क्यों ना शादी कर ले, लेकिन उसमें भी पेच ही पेच, कहीं मैं कहूं और वो इनकार कर दे। जब कही थी तो भुत्तो, तुम ना चाहती तो जबरदस्ती थोड़ा ना साथ खींच कर ले जाता। इधर मैं पागल हो रही थी और उधर छत में मटर कश्ती से गीत गुनगुना रहा था, मन में आया छत फांद कर जाऊं और उसका मुंह नोच लूं।
एक ख्याल आता कि इस घुटते हुए समाज के सामने एक मिसाल पेश करूं, एक नए कबीर को जन्म दूं, ना मजहब हो ना जात, सिर्फ मनुष्य। लेकिन अगर पैदा करूंगी तो जिएगा कैसे, कौन देगा नौकरी, झाड़ू पोछे के लिए भी तो कोई नहीं रखेगा, मुझसे उनके मर्दों की नियत को खतरा पैदा होगा। आने वाले कल की डरावनी तस्वीरें आंखों के सामने नाच रही थी। मैंने समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत सफाई करने का निर्णय लिया। माँ की डिबिया से लिया सिद्धू मांग में भरा और हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर को बताया कि हस्बैंड और वो जॉब में है, घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बच्चा नहीं चाहिए। महुआ लौटी तो थकी मांदी, पेट खाली और हल्का हल्का दर्द, पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन चेहरे पर निश्चिंतता और संतोष। सुबह 8 बजे आ जाऊं? कल नहीं, परसों चलेगा। परसों तो ऑफिस है यार। अरे भाई तुम परसों मिलो चाहे वर्षों मिलो, बशर्ते तुम मिलो तो सही यार। पागल, तुम बिल्कुल नहीं बदले ना। तुम कितना बदली हो ये मुझे देखना है अभी। ठीक है देख लेना, अब रखती हूँ। बाय। साजिद ने पुरुषों को देखने का महुआ का नजरिया ही बदल दिया था। अब वो जब भी किसी को देखती और थोड़ा ठीक ठाक लगता
तो वो कल्पना करती कि इसके सीने में बाल हैं या नहीं, टांगे लंबी और जांगे पुष्ट हैं या नहीं, इसका पेट समतल रह जाएगा या 35-40 आते आते तोन निकल आएगी, और ये भी कि गंभीर रस का जटिल विद्वानी है या थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। अशुर, तुम कैसे आ गए हमारे नगर में? अच्छा, नगर के बाहर स्वागत और अभिनंदन का बोर्ड तो देखा था, लेकिन ये बोर्ड बैनर कहीं असर नहीं आया। क्या ना मना है महुआ के लिए? वैसे पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लग रहे हो इस ड्रेस में। लग नहीं रहा हूँ बाबा, SBI में नौकरी करता हूँ, इससे मैं भीमताल में। भीमताल यानी नैनीताल के पास उत्तराखंड में। अरे तुम भी तो कहीं ज्वाइन करने जा रही हो ना? हाँ हाँ, वो देखो मम्मी चाय ले। नमस्ते आंटी जी। वैसे हर्षल, तुम किसी जरूरी काम से आए हो या फिर यूं ही घूमने फिरने? आया तो मैं काम से ही हूँ। अम्मा जी आप भी बैठे, एक काम है आपसे। महुआ मैं आया काम से हूँ, वो तुमसे है। बात दरअसल ये है कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी तय कर चुके हैं। लड़की लखनऊ की है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। मैं जानता हूँ ठीक ठाक है देखने में। महुआ मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैंने 4 साल पहले ही तुमसे शादी करने का मन बना लिया था। अगर तुम हाँ कह दो तो फिर मैं उस मुसीबत से छुटकारा पा जाऊँ। अजी सुनते हो? शादी की बात करना चाहते देखो। अरे महुआ बेटे, कौन आया है? नमस्ते। अरे वाह बेटा वाह, देखो महुआ मैं कहता ना था कि भगवान के घर में देर है देर नहीं। देखो उसने भेजा ना लड़का। अरे बैठो बेटा और सुनाओ, कोई खेल भी तो खिलाओ उसे कुछ। लाओ और सुनाओ क्या हाल है, कहाँ काम कर रहा है? मैं SBI में नौकरी कर रहा हूँ। मम्मी पापा क्या कहते जा रहे थे, मैं कुछ सुन नहीं रही थी। देख रही थी कि एक कल का दिन था और एक आज का दिन है। अबॉर्शन कराने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी। क्या हर्षल का आना सिर्फ एक संयोग था? इस बीच मैं कितना चाहती थी कि कोई मुझे प्यार करे, बाहों में ले, हंसे हंसाए, मेरा माथा सहलाए। उस साजिद को निकाल फेंकना चाहती थी अपने भूण की तरह। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जिस काम में मेरी मदद करना चाहती है। अरे महुआ, माँ तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अरे नहीं नहीं, ये तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। मम्मी जाने दो। अब हर्षल, चलो ना मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। कमरा देख के आओ बेटा। तुम्हारे प्रस्ताव को मैं अपना सम्मान समझती हूँ। या, लेकिन तुम भी तो बेहद खूबसूरत हो गई हो। अच्छा, अगर मान लो कि मैं मना कर दूँ शादी के लिए, तो उस लखनऊ वाली से शादी करोगे? क्या तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है मेरे मम्मी पापा और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन मन बनाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कितना समय चाहिए? अभी कहाँ करने जा रहे हैं शादी? अरे बाबा, होगी तो जाने में होगी। सच? समय में मांग रही थी अपने महत्व का एहसास जताने के लिए, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। न जाने किन किन विषयों पर महुआ और हर्षुल ने बातचीत की, पर नहीं की तो शादी के बाद आने वाली मुश्किलों के बारे में जो इनके बीच खड़ी हो सकती थी। महुआ को नौकरी करनी थी और अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना था। जनवरी के अंत में इन दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हनीमून के लिए दोनों गए उत्तरांचल, दो दो रातें भीमताल, नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, पिथौरागढ़ और फिर भीमताल। ये रातें एक दूसरे से छेड़छाड़ करने में, साथ खेलने में, नहाने धोने में, सेक्स की विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग में और रज्जगे में भी। इनके शरीर एक दूसरे के लिए रहस्य लोक थे और प्रयोगशाला भी। इस रहस्य को पाने के लिए देह को जितना खंगालते रहस्य उतना ही गहराता जाता। महुआ ने पूरी कोशिश की कि वो हर्षल को ये साबित कर सके
कि वो ही इसके जीवन का पहला पुरुष है और कामयाब हुई। इसी तरह हर्षल भी कामयाब हुआ ये साबित करने में कि महुआ ही इसके जीवन की पहली स्त्री है। लाइट भी चली गई ये तो। अब क्या बस यूं ही पायल के साथ खेलते रहोगे? अब तुम आ जाओ ना जल्दी, छोड़ो। हमारी बैचमेट, हम 3 साल साथ में लखनऊ में थे, अभी भी साथ में।
भाभी जी, छोटा सा तोहफा आपके लिए। अरे आप बैठे तो सही। अच्छा भाई, शादी मैं कर रहा हूँ, तोहफा उसे दिए जा रही हूँ। अरे पहने भले महुआ, काम तो तुम्हारे आनी है। भाभी जी मैं चाहती हूँ आप खोल के देखें, पसंद ना आए तो चेंज हो जाएगी। अरे उसकी क्या जरूरत थी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे मुझे भी दिखाओ उसके आए। अरे वो कहाँ है? वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। इनके बीच इतने इंटीमेट संबंध है, ये कहीं वो लखनऊ वाली तो नहीं जिसे मेरे इनकार कर देने पर शादी करने की बात कह रहा था? आखिर इन्होंने शादी नहीं की तो क्यों नहीं की? उसने झूठ क्यों बोला कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है? मुझसे दूर रहने पर बहकने की बात भी तो कह रहा था। देखो महुआ जो थी ना, हमारे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अच्छा। मैं उसी समय उसे प्रपोज किया था लेकिन तब तो मना कर दिया। अब आकर के उन्होंने हाँ कहा, हमने शादी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे आप कब कर रही हैं शादी? अभी मेरी उम्र तो होने दीजिए, मेरी उम्र ही क्या है? क्यों, अब और कितनी उम्र चाहिए? मुझसे छोटी तो ना होंगी आप? 50। 50 से पहले शादी का कोई मतलब है? कोई नहीं। शादी की जाती है सहारे के, और सहारे की जरूरत पड़ती है बुढ़ापे में। अभी तो हाल ये है, जिसे सहारे की जरूरत हो वो आए मेरे पास, मैं खूब आने वाली। इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती है, बंगाली होकर भी? मेरे बंगाली होने में मत जाइए, मेरा ज्यादातर समय हिंदी बैठ में ही गुजरा, जैसे लखनऊ, आगरा, गोरखपुर। अरे बाबा चलो, हमारे हनीमून की आखिरी शाम है, इसे बर्बाद मत करो यार। अरे चाय तो पीने दो। अरे बाद में पी लेना, चलो। अच्छा तो हम चलते हैं हर्षुल। मून का तो नहीं पता पर भवाली की हनी बहुत मशहूर है। मालूम है, चलो चलो भागो भागो यार। डार्लिंग, डार्लिंग मैं नीचे जा रहा हूँ तुम्हारे लिए है चिकन और वाइन लाने के लिए। आज तुम्हें अपने हाथों से चिकन बनाए खिलाऊंगा और वाइन पिलाऊंगा, ठीक है? ये तो हर्षुल की हैंडराइटिंग नहीं है, ये तो आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक से लिखा है। इसका मतलब मुझसे पहले इस वर्तिका का इस बेडरूम में उठना बैठना सोना कुछ रहा है। कब हुआ क्या हुआ डार्लिंग? मेरा सिर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये देखो। सारी रात बैठा खाता और पीता रहा, वो समझ रहा था कि मुझे दुख है लेकिन कल का अनिश्चित काल तक उससे ना मिलने का दुख, बस यही मेरे डिप्रेशन की वजह है।
क्या हुआ डार्लिंग? दोबारा तेरा दिन से तुम्हारे साथ मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मुझे नींद आ रही है, सोने दो। मैं तुम्हारा पाँव दबा देता हूँ। थोड़ा तंग मत करो। तो क्या करूँ जिससे तुम्हें नींद आता है? कुछ नहीं। महुआ जगी जगी सोचती रही कि जिस जगह और जैसे वो लेटी हुई है उसी जगह और उसी तरह कई बार वर्तिका लेट चुकी है। हर्षुल वही हरकतें इसके साथ दोहराता तिहराता रहा होगा जो उसने वर्तिका के साथ की होगी। महुआ सोचती रही कि हर्षुल को एहसास करा दे कि उसके ऐसे व्यवहार की वजह क्या थी। सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि कम से कम उसको घर में लाने से पहले बेड के पीछे की लिखावट तो मिटा देते। काठगोदाम शाम 7 बजे गाड़ी छूटने से पहले प्लेटफॉर्म पर दोनों गले मिलकर खूब रोए। हाँ, इतना जरूर है कि दोनों की वजहें अलग अलग थी। सुबह शाम दिन रात हर वक्त हर जगह हर समय है। तुमने आदत बिगाड़ दी है ना, अकेले रहने की तो आदत नहीं रही। ये रातें कितनी भयानक होती जा रही है यार। तुम आ जाओ ना प्लीज प्लीज डार्लिंग। ये रही खुली बाहें, बस बस तुम आ जा। जगा भी सारी रहना, जगा भी सारी रहना, जगा भी सारी रहना। निगुड़े दो नैना, निगुड़े नैना चुराई चैना, जगा भी सारी रहना। हो अब क्या खड़ी हो वहां?
वो तो कब का गया पड़ोस छोड़कर, सुना नहीं उसे कैंपस में क्वार्टर मिल गया है। अच्छा हुआ जो गया यहाँ से। एक और अच्छी खबर सुनी है मैंने, सुना है हर्षुल के माँ बाप इस शादी से नाराज हैं, उन्होंने अपने बेटे के यहाँ कभी ना आने की कस्में खाई है। सही सुना है तुमने। चलो अच्छा, जान बची उनकी नखरों को। पति पत्नी के ज्यादातर झगड़ों के कारण ये साफ सुथरी होते, कोशिश तुम्हें यही करनी चाहिए कि वो नाराज ही रहे। अरे सलाह अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन मुझे रहना है कितने दिन है अर्शुल के साथ, बस छुट्टियों में ही तो। वैसे नाराज नहीं हो तो एक बात पूछूं, तुम्हारे संबंध साजिद के साथ भी हुए और हर्षुल के साथ, तुम इनमें क्या फर्क देखते? इस बारे में कभी सोचा नहीं था मैंने, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि साजिद के साथ मैं अपने आप को खुली और उन्मुक्त महसूस करती थी, यहाँ हर्षुल के साथ एक प्रकार का संकोच है, एक लिहाज है कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं या कर दूं जिसे वो बुरा मान जाए या फिर नाराज हो जाए। अब तुम जानती हो उसके साथ मैं पूरे 13-14 दिन रुकी, उसकी एक फ्रेंड है वर्तिका, एक दिन वो वहां गई तो हर्षुल ने वर्तिका से ब्रा की बात छेड़ दी। तो इसमें बुरा क्या है, दोनों की उम्र है, साथ साथ रहे हैं, मजाक किया होगा। अरे नहीं, हर्षुल के बेड के पीछे की दीवार पर आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक से वर्तिका का नाम लिखा हुआ। तो इसमें ये कहां साबित होता है कि वो दोनों साथ साथ सोते रहे, ये कहां साबित होता है? इसका मतलब मैंने हर्षुल के साथ ज्यादती की। ओहो इतनी बेवकूफी, बिताई वाली रात खराब कर दी उसके भी और अपनी भी। दिल और दलदल ये दोनों एक समान होते हैं, दलदल में पांव फंस जाए तो बाहर आना मुश्किल और दिल में कोई बात फंस जाए तो निकलना मुश्किल। वर्तिका की बात को दिल से निकाल फेंक, वैसे चिंता जीने का सबसे बड़ा सबब है, जब तक चिंता है तब तक जिंदगी, चिंता खत्म जिंदगी खत्म। आप अपने घर में ही देख लो, पापा मम्मी की चिंताएं ही तो उन्हें जलाए जा रही हैं। हाँ हर्षुल डार्लिंग, दो चार दिन के लिए आ जाओ ना। सुनो ना, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या? अरे मेरी छुट्टियां, हेलो, हाँ मेरी छुट्टियां 4 मई से 15 जुलाई। क्या नौकरी को गोली मारो? अरे होली की छुट्टियों तक जरा सब्र करो। कहाँ रह गया, अभी तो शाम को बात हुई है। फोन उठाओ हर्षुल। हेलो 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 हर्षुल। मैं तुम्हें आधे घंटे से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? बाथरूम में था यार। बाथरूम में था? अरे तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तुम आधे घंटे से बाथरूम में कर क्या रहे हो? तुम्हें याद करके आंसू बहा रहा था, और क्या करूंगा मैं। काट दिया उसने लैंडलाइन से रिसीवर हटा दिया होगा और फोन को साइलेंट मोड पर, उन क्षणों में वो ऐसा ही करता है। हर्षुल देखो मैंने तुम्हारा सारी पसंदीदा चीजें बनाई है, फिश करी, मटन करी और ये पुलाव। मैं अपने हाथों से खिलाऊं तो मैं खिला दो। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हारे लिए ऑफिस से निकलते ही बियर का इंतजाम कर लिया था। थैंक यू सो मच डार्लिंग। तुम्हें मालूम है एक बात, मैं महुआ से शादी करके बहुत पछता रहा हूं। एक ऐसी लड़की जिसको अपने पति से ज्यादा दो कौड़े की नौकरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा था इतनी जल्दी शादी कर लो? जल्दी डार्लिंग तुम कितने सुंदर हो। वो कहते हैं ना कि नाटक शुरू होने से पहले कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर ले ताकि नाटक के दौरान कोई व्यवहार उत्पन्न ना हो। क्या बात है, क्यों परेशान है? कब से अर्शुल को फोन ट्राई कर रही थी,
नहीं उठा रहा था, ऐसा वो उन्हीं क्षणों में करता है। ये एक रात नहीं है, ऐसे कई रातें आएंगी। तुम यहां हो, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। क्या करूं? उसका मुंह नहीं देखूंगी, थूक दूंगी उस पर। होली में आएगा तो मैं देखूंगी। मैं हर्षल को नहीं जानती, पर तुम्हें जानती हूं। जानती हूं कि जब वो आएगा तो तुम उसकी बाहों में बिछ जाओगी और कोशिश करोगी कि उसे इतना प्यार दो कि वो वर्तिका को भूल जाए। लेकिन याद रखो, वो एक मर्द है, उसे विकल्प चाहिए। तुम भी रहो और विकल्प भी रहे, तुम्हारे होते हुए। और मर्द ही क्यों, औरत भी तो यही चाहती है। क्यों नहीं चाहती क्या? तुम्हारा ना दिमाग खराब है। होली की एक दिन सुबह सुबह हर्षुल आ गया, पापा खुश मम्मी खुश। शाम को हर्षुल बाजार गया और बर्फी लेकर आया और दोनों पहुंच गए मीर घाट बोटिंग कर। क्या कमाल दिखाता है ना। अरे इस बात का पता तो तुम्हें इसी रेत पर चढ़ेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज होली का दहन है, आज बाहर नहीं निकलते, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हो। चल दिए जनाब नींद घाट बोटिंग करने। और कहते हैं कि आधे घंटे से बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन तब तो कहीं नजर ही नहीं। वो नाव वाला क्या बोल रहा था? अबे भौतड़ी के नाव तो यही बनी पड़ी है, उस पार क्या जाएगा। अर्जुन अर्जुन, मुझे ना नींद आ रही है, चलो ना अब सोते हैं। हाँ यार सच में, चलो घर जाने की हिम्मत नहीं है। जुमा, ये इन दोनों की पहली होली थी। जो महाकाव्य उस दिन रेत पर अलिखित रह गया था, उसके कई सर छत और पलंग पर लिखे जाते रहे। हर्षुल ने महुआ की गर्मी की छुट्टियों का पूरा कार्यक्रम चेकआउट कर उसे 15 मई की टिकट पकड़ा दी। नैनीताल बोट हाउस क्लब के बगल वाले टेरेस पर मई का अंतिम रविवार। चलो चीयर्स। चीयर्स टू अस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। डार्लिंग, इस क्लब का मालिक मेरा क्लाइंट है। दो बॉस दे रखे हैं उन्होंने, जब मन आओ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। हमारे ऑफिस में एक लड़की है, पिछले कई सालों से ना एक किसी लड़की के साथ लिविंग में रह रही है। उसके घर वाले परेशान, कर ले शादी, लेकिन नहीं। बताओ क्या जमाना आ गया है यार, शादी नहीं कर रहे दोनों। अरे तुम ये सब छोड़ो, पिछले 4-5 साल में आई नई जनरेशन की कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। सुनो, मेरे गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन ने काम वाली से पता क्या कहा? कमरों की सफाई बाद में करना, पहले नालियों में बहने वाले पैकेट बटोर लेना। और जी लड़कियां इस मामले में इतनी एकजुट कि कब कौन सा लड़का किस लड़की के कमरे में आ रहा है किसी को नहीं बताती थी। वो भागे जा रहा। कौन है आप? पहचाना नहीं आपने? अरे मैं उमर खयाम। अरे जैसे आप रुबाए वाला बंद कीजिए, शराब के विषय में कुछ भी बक रहे हैं आप। अरे थका भी जाओ, आप इतनी जल्दी भूल गए। याद कीजिए ना आपको, हैदराबाद की चार मीनार पर बैठ कर हमने वो बिरयानी खाई थी और फिर वो
वहीं से मीना बाजार भी तो गए थे और मोतियों की माला भी तो खरीदी थी आपने। Shut up! Just get out of here! क्यों बकवास कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? संभाले। सुरेंद्र देवा। कुछ नहीं। बाहर क्या मारे? ये भाई साहब लाइन लो। आपकी तारीफ? बेकार। तारीफ? ना। तारीफ। जनाब मैं नैनीताल का हूँ। मल्ली साहब में गरीब खाना अपना और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ता हूँ। और आप? चलिए क्या कर रहे हैं जनाब? चलिए चलिए जनाब क्या कर रहे हैं? देखिए जनाब मैं सुनिए देखिए ना कसूर आपका है ना कसूर मेरा है। कसूर सारा इस कुदरत का है। कभी कभार तो ऐसे चेहरे बना देती है कि गफलत हो जाती है। माफ कीजिएगा गुस्ताखी माफ कीजिएगा। चलिए चलिए चलता हूँ भाभी जान। ठीक सॉरी सॉरी चलिए चलिए भाभी जान। पागल आदमी है ये पता नहीं कहाँ कर सके। हर्षित पहले तो मुझे लगा कि तुम्हारा ही कोई दोस्त होगा लेकिन जब अनाप शराब बकने लगा तो मैं चौंक गई। खुद शराब के नशे में धुत था और मुझे कोई और समझ बैठा। अब हर्षित मेरा ना यहाँ बैठने का मन नहीं है। चलो ना किसी पंजाबी ढाबे चलेंगे और गाड़ी में रोमांटिक सा म्यूजिक सुनेंगे। क्या कहते हैं? गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खराब है। हर्षुल ये हैदराबाद कौन से राज्य में आता है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश। वहां की मालाओं की बहुत तारीफ सुनी है मैंने। वहां की मालाओं की क्या क्या खासियत है? जब मैं पूछते पाछते वासनीगंज में तुम्हारे घर पहुंचा था तो तुम्हारे घर के ठीक बगल के घर में एक नेम प्लेट लगा हुआ ऊपर उर्दू में और नीचे हिंदी में लिखा था साजिद कुरैशी। क्या ये वही साजिद है जिसके बारे में वो रुबाई वाला बता रहा था हैदराबाद के किस्से? तो
परेशान सारे साजिद कुरैशी। भाभी जी, भाभी जी, मेरी भाभी जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं भाभी जी, कल सुबह के लिए। क्यों, तुम अभी जा सकती? चाहो तो सोचने विचारने के लिए 2-3 दिन का वक्त दे सकती हूँ। मैं तुम्हें और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बहुत पहले तुम एक चिट छोड़ाए थे, पछताओगे। सुने हो ये बस्ती उजाड़ कर, कुछ याद आया? तब की बात कुछ और। मैं हर्षुल से प्यार करती थी, इसलिए कि वो अधिक से अधिक दोस्त और कम से कम पति था। पति जैसा दंभ पालना या दबदबा बनाने की कभी कोशिश नहीं की थी। वो भी मानता था और मैं भी, कि अपनी अपनी प्राइवेसी है, अपनी अपनी जिंदगी। लेकिन ये सारा विवेक तरा का तरा रह गया। देह ने बाजी मार ली इस नश्वर देह ने। ऐसा क्या है इस देह में, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मन का सारा रिश्ता नाता तहस-नहस हो जाता है। चुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हर लड़के और लड़की के पीछे एक बीता हुआ कल होता है, जिसके बारे में कभी माफ नहीं करनी चाहिए। क्या ठीक, तुम पूछो। तुम हैदराबाद गई थी? हाँ। साथ में साजिद भी था? हाँ। मेरे साथ रुकी थी? हाँ। कितने दिन? ये माला उतनी पसंद उसकी है, पैसा मेरा। अरे साजिद, प्राशे ब्रीफकेस में 2 मालाएं और भी, चाहो तो उन्हें भी निकाल दूं। ये तो पेट में है ना, क्यों, क्या झूठा है? मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए। पेट मेरा है, पैदा मुझे करना है, तुम्हें किस बात की तकलीफ? मुश्किल नहीं है सवाल उठाना, प्रश्नों से ही उच्छेदते जाना। मुश्किल है जवाब ढूंढना। सवाल उठाया जा सकता है कहीं भी, किसी पर, किसी भी भाषा और लहजे में,
क्योंकि सवाल उग्र होता है, सफाई कमजोर। इसीलिए मैं पड़ी रही हजारों प्रश्नों की शैया पर, कभी ना किए गए अपराधों का माफीनामा लिए। तब भी अटक रही थी मेरी सांसें तुम्हारे साथ बिताई शामों के अंधेरों में, जब चटक रही थी मेरे स्वाभिमान की हड्डियां और मेरा मरियम सस्पेंड तुम्हारे जबड़ों के पीछे दबाए हुए। जानते हो तुम्हारी दुखी होने की आशंका और सुखी होने की संभावनाओं के बीचों बीच मैंने कई बार अपनी रीढ़ तोड़ी। मुझे दुख है यहां से यूं इस तरह चले जाने का। मैंने जो प्रेम का बीज बोया था उसके यूं चल जाने का। अर्जुन, मैं जानती हूं कि आज ही नहीं पिछले 3 साल से तुम वर्तिका बैनर्जी के साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन पूछूंगी नहीं, इतना याद रखो। भैया जरा टैक्सी में सामान रखो। हर्षु, कोई जल्दी नहीं। नाटक महुआ चरित, आपके 2 मिनट और लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रस्तुति के बाद आप लोगों की प्रस्तुति भी थोड़ी ज़ोरदार होनी चाहिए। जिस तरह से ये कठिन प्रस्तुति है और जिस तरह से इस नाटक का कथ्य है तलवार की धार पे चलने वाला, और जिसमें पूरी गुंजाइश रहती है कि नाटक ज़रा सा फिसला तो गया, ऐसी स्थिति में इन कलाकारों ने एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इस पूरे कथ्य का निर्वाह किया है, तो इसके लिए आप सभी दर्शकों की ओर से इन्हें बधाई। हालांकि आप में से बहुत से लोग इन कलाकारों से परिचित होंगे, फिर भी एक बार इन सभी का परिचय करवाना आवश्यक जान पड़ता है। और सबसे पहला नाम, ये नाम मैं जो ले रहा हूँ ये प्रवेश क्रम के अनुसार हैं। सबसे पहला नाम आर्य श्री आर्य महुआ के रोल में, और बैकस्टेज में भी इन्होंने सहायता की वेशभूषा में। सुमन शुक्ल एक वरिष्ठ कलाकार पिताजी की भूमिका में, अनुराधा गौतम माँ की भूमिका में, बैकस्टेज में भी इन्होंने मंच सामग्री और मंच सहायता में हाथ बटाया। और परिभाषा मिश्रा छत, राहुल हरजाई एक विद्यार्थी भी थे और मंच व्यवस्था भी इन्होंने देखी, अंकुर ग्रोवर सुशांत, तरंगनी सिंह बलविंदर और वर्तिका बैनर्जी, नीलेश दीपक, हर्षुल, सैफ, साजिद कुरैशी, वरुण सिंह, उमर खयाम की भूमिका तो इन्होंने निभाई ही, साथ ही ये टीम लीडर भी कहे जा सकते हैं, इस प्रस्तुति के स्टेज मैनेजर थे। नवजोत,
व्यक्ति की भूमिका थी और स्टेज में सहायता की, और अनुराग कुमार बार सीन में और उमर खयाम के दोस्त के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। सुकृति पालिनी, सुकृति ने डांस सीन में, बार वाले डांस सीन में अभिनय किया। कुछ कलाकार जो मंच परे रहे उनके नाम भी लेना आवश्यक है। एम राशिद, सभी कलाकारों का मेकअप इन्होंने किया, रूप सज्जा। और सैंडी, सैंडी हमारे सैंडी भाई ने इस नाटक के लिए ध्वनि और संगीत परिकल्पना की। क्या चैतन्य राज हमारे बीच हैं मंच सहायता के लिए, और रेणु दीक्षित मंच सामग्री और प्रस्तुतिकरण में। इसके अलावा जो नृत्य संरचनाएं आपने इसमें देखी, कोरियोग्राफी, वो गुरु मणि थापा ने की, वे हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया मंच पर आएं। गुरु मणि थापा, लंबा अनुभव नृत्य संरचनाओं में, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 40 वर्षों से, सभी का नृत्य संरचनाएं इनके द्वारा की गई है। वेशभूषा में मोतीलाल खरे का नाम लेना होगा, वे इस वक्त शायद ना हो हमारे साथ, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और प्रस्तुति नियंत्रक में जो नाम है कैलाश वाजपेयी और विजय हक्कू, यदि वे उपस्थित हैं कृपया मंच पर आएं। अब मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा इस नाटक का नाट्य आलेख लिखने वाले, क्योंकि महुआ चरित दरअसल एक उपन्यास है, उसका नाट्यालेख लिखा, परिकल्पना की, प्रकाश व्यवस्था की और निर्देशन किया राजनारायण दीक्षित। और राजनारायण दीक्षित ने एक छोटे सी भूमिका भी निभाई, एक वेटर की भूमिका, एक छोटा सा सीन किया। तो प्रस्ताव की ओर से माफ़ी चाहेंगे, बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे, श्याम सुंदर जी जिन्होंने प्रोफेसर की भूमिका निभाई, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रस्ताव दिल्ली की ओर से ऐसे ही 5 और 6 तारीख को इसी का यही नाटक स्टूडियो सफदर में भी खेला जाएगा 5 और 6 अगस्त को। और आप में से जितने लोग जानते हैं, स्टूडियो सफदर एक बहुत ही ऐसा स्पेस है कि एक्टर आपको यहाँ अगर एक्ट कर रहे हैं तो दर्शक यहाँ से उसे देख रहा है, इतनी ही दूरी रहती है। तो वहाँ इस नाटक का क्या रंग निखरेगा और किस तरह से ये सामने आएगा, और दर्शक प्रस्तुति के चारों तरफ बैठते हैं, एक अलग ही अनुभव होता है। अगर आप ऐसा अनुभव लेना चाहते हैं तो खुद भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए। 5 और 6 अगस्त को स्टूडियो सफदर में हम आपका इंतज़ार करेंगे। और प्रस्ताव दिल्ली ऐसे ही अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां लेकर आपके सामने आता रहेगा। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।